आकाश दी पुणी, आखिर ये फ्री बिजली पानी के दौर से आम आदमी पार्टी की सियासत कब बाहर निकलेगी? ये 10 सालों से सिलसिला चल रहा है, अभी और कितने सालों तक सिर्फ फ्रीबीज के सहारे सब कुछ चलता रहेगा? रंजीत जी, आपसे मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूं 100%। जब आप बोलते हैं कि ना कि विकास नहीं हो पाता, मैं बता रहा हूं, सुनिए पूरी बात। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, मतलब ना कि एक परिवार की इनकम है 14,167 रुपए। ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस का डेटा है, ये सरकारी डेटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, टॉडलर का, मतलब ना कि एक नर्सरी में मेरे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एक बच्चे का 75,000 रुपए लगते हैं एडमिशन फी। मतलब अगर मेरे दो बच्चे हैं, पर कैपिटा इनकम के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुझे 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अब 14,000 के सैलरी से मैं 1.5 लाख रुपए खर्चा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूं? मैं सरकारी स्कूलों में जाऊंगा। अब गुजरात में 300 ऐसे सरकारी स्कूल है जिसमें सिर्फ एक कमरा है। 2022 में 700 स्कूल्स हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। आप समझ पा रहे हैं जी? बात तो बिजली पानी की हो रही है, बात फ्री बिजली पानी, महिलाओं को 1,000 रुपए मुफ्त देने की जो बात हो रही है, वहां से बात शुरू करते हैं ना। आप स्कूल पे भी लेकर आएंगे, स्कूल पर लेकर आएंगे आकाशदीप मुनि, स्कूल पे आने का भी वक्त मिलेगा ना, रुकिए ना एक सेकंड। लेकिन पहले तो इस बात का जवाब दीजिए ना कि ये जो 200 यूनिट और 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, 16 स्कूल है गुजरात में, सुनिए पूरी बात। हाँ, 16 स्कूल है गुजरात में जिसमें सिर्फ एक टीचर है, क्या ये सही है? क्या ये विकास आप चाहते हैं? ये सोलर पैनल क्या आपका विकास है? भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि सही है। मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ आप कहीं और ले जा रहे हैं उस डिबेट को। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मुफ्त बिजली पानी का फॉर्मूला सिर्फ इसके सहारे कब तक आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स चलती रहेगी? मैं सिर्फ इस बात का जवाब चाहता हूं। हम इस बात का जवाब भी हम आपसे फिर से लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आप जो कह रहे हैं ना, ये जरूरी है कि चूंकि ये इस डिबेट में सिर्फ आपकी हमारी बात नहीं होती, इस डिबेट में जो लोग हमारे दर्शक लगातार हमें देख रहे हैं और बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं, उनकी राय क्या है उसके हिसाब से ये डिबेट आगे बढ़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार इस पर जो है एक रिजल्ट दिखाया जाए, एक रुझान दिखाया जाए कि क्या है, देश की जनता क्या कह रही है इस सवाल के जवाब में कि केजरीवाल के पास मुफ्त नीति के अलावा विकास का कोई विजन नहीं है। और आप जरा आंकड़े देखिए, आंकड़े कह रहे हैं कि ये आरोप बिल्कुल सही है। 92% लोग कह रहे हैं कि ये आरोप बिल्कुल सही है, केजरीवाल के पास मुफ्त की बिजली पानी या मुफ्त की नीति के अलावा कोई दूसरा विजन नहीं, कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है। कुछ हद तक सही मानने वाले सिर्फ 3.5% लोग हैं और बिल्कुल गलत कहने वाले लोगों की संख्या जो आप देखते हैं सही कहने वालों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है, सिर्फ 4% लोग हैं। अब आप खुद बताइए कि जब बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं, जरा दिल्ली का आंकड़ा देखिए, दिल्ली में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी मुफ्त की नीति और दिल्ली के लोगों की राय क्या कह रही है, जरा सुनिए। आरोप बिल्कुल सही है, मानने वाले करीब करीब उतने ही लोग हैं, 92% लोग हैं, 91.8% लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही आरोप है कि इनके पास मुफ्त के अलावा, मुफ्त में चीजों को बांटने के अलावा कुछ नहीं है। और बाकी लोगों की राय क्या है जरा देखिए, जो इस बात से सहमत नहीं है उनका आंकड़ा भी जरा देखिए। बिल्कुल गलत कहने वाले लोग सिर्फ 3% हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आप ये जो कह रहे हैं उसको लेकर देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या सोचती है। अब जरा हरीश खुराना की तरफ चलते हैं। हरीश जी, भाई ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए भी हम मान भी लें कि केजरीवाल के पास कोई ठोस नीति नहीं है, दिल्ली के विकास का कोई विजन नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वो पेन किलर देकर लोगों का दिल जीत रहे हैं और आप इलाज करने के डायग्नोसिस में लगे हुए हैं। भाई वो तो यही पेन किलर देकर के उन्होंने तो विधानसभा में उन्होंने रिकॉर्ड रच दिया और आप अभी भी इसकी तलाश में जुटे हुए हैं कि इस मर्ज का इलाज क्या है।